मित्र मंडल और सचिन नाइक अपक्ष उम्मीदवार के तौर पर आप उनकी पत्नी के नाते हर गली हर चौराहे पर गांव गली एक करते हुए घूम रहे हैं और आज किनवट में महिलाओं के साथ मोड़ निकाल कर पूरा गली गली घूमकर चौक घूमकर बहुत सारी महिलाएं किनवट की बहुत सारी महिलाएं अभी तक इतनी महिलाएं हमने देखी नहीं किसी भी उम्मीदवार के साथ। तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं सपना नायक आप? मी सपना सचिन भाऊ नाईक, मी अपक्ष उमेदवार जे आहेत सचिन भाऊ नाईक यांची मी सौभाग्यवती आहे आणि मी आज किनवटमध्ये जी आमची रॅली निघाली ती जवळपास आज 3-4 हजार महिला माझ्यासोबत होत्या। आमच्या आजीबाई तर खूप म्हणजे एजड आजीबाई पण त्यांना सलाईन लागून पण त्यांचा एवढा उत्साह की त्यांना यायचं होतं सोबत। मी म्हटलं त्यांना की तुम्ही खाऊ का, पण त्यांना कुठेतरी खाऊ बद्दल एवढी कळवळ होती की मी येते म्हणजे येते सोबत। तर त्यांना सोबत होऊन आलो। सर्वप्रथम मी सगळ्यांचे इथे मनापासून आभार व्यक्त करते की माझ्यासोबत एवढ्या महिला एवढे बुजुर्ग लोक माझ्यासोबत आले। आमची रॅली ही खरोखरच म्हणजे महिलांची एवढी मोठी रॅली किनवटमध्ये कधी न निघालेली रॅली असं लोक म्हणतायत की खरंच आहे। आणि अपक्ष असल्यावर तर अशी रॅली मला नाही वाटत कधी कोणाची निघाली असेल। आपण फॉर्म भरला तेव्हा पण आपले सगळे प्रेमाखातीर येणारे लोक आपल्याकडे आले होते रॅलीत, तेव्हा पण पूर्ण किनवट आपण 10-12 हजाराच्या वर संख्या गाठली होती लोकांची। आणि आता पण आपण जेवढीही महिला आपल्यासोबत आल्या त्या खूप चांगल्या प्रकारे आपल्याला प्रोत्साहन करून गेल्या एक प्रकारचं, म्हणजे एवढ्या महिला येऊन आमचा हात आणखी मजबूत झाला। आमचं जे पाठबळ आहे ते आमचं खंबीरपणे एक आमचा हात जे आहे ते आता खरोखरच एक निवडणुकीत आम्हाला समोरे जाण्यासाठी आणि विजय प्राप्त करण्यासाठी जी शक्ती हवी असते ती महिला शक्ती आज आमच्या मागे आहे। आज आम्हाला हे कळून चुकलं। सांगायचं म्हणजे असं की भाऊ अपक्ष आहेत, भाऊ अपक्ष असून सुद्धा लोकांची एवढी का कळवळ, या सगळ्यांना विचार पडला की अपक्ष उमेदवाराला एवढा का प्रतिसाद लोकांचा, एवढा का प्रतिसाद लोकांचा। लोकांचा प्रतिसाद याच्यासाठी आहे की गेले 10 वर्षापासून भाऊ मेहनत करत आहे, 10 वर्षापासून भाऊंचं कार्य चालू आहे, 3-3 ठिकाणी भाऊंचे ऑफिस आहे, किनवट झालं, तुमचं शिवनी झालं, माहूर झालं, या ठिकाणी गोरगरिबांच्या काही समस्या असतील त्यांच्या आय कार्ड मतदान कार्डासाठी किंवा कोर्टाचे तहसीलचे बँकचे काही काम असतात त्यांना आज सुविधा न हो यासाठी आरोग्यासाठी तिथून आपण अँब्युलन्स रेफर करतो। त्यांना काही मदत लागली तर आपल्या ऑफिसमध्ये हक्कांनी ते येऊ शकतात। कुठल्या शिक्षणासाठी त्यांना मदत लागली तर ते हक्कांनी येऊ शकतात। त्यासाठी आपण 3 ठिकाणी ऑफिस आपलं खोललेलं आहे। सगळे लोक आता असा प्रचार करतायत की अपक्ष आहे निवडून नाही येणार, पडायसाठी मत घेतले, पडायसाठी उभे राहिले, पाडण्यासाठी उभे राहिले, कोणाची तरी मत खाण्यासाठी उभे राहिले। मला तर असं सांगावं वाटते एवढी लोकसंख्या बघून आम्ही कोणाला पाडायसाठी नाही, बाकीचे पक्षवाले आम्हाला पाडायचा प्रयत्न करतायत, म्हणजे एवढी ताकद आज आमच्यात आहे की आम्ही पक्षाच्या वर निघालो आहे। 3-3 पक्ष एकत्र असून सुद्धा यांना सचिन भाऊ नाईक हे खूप जड चालले आहे। 3-3 महायुती महाविकास आघाडी हे 3-3 पक्ष दादा एकत्र असून यांना एवढं जड चाललंय सचिन भाऊ नायकांचं हे प्रचार दौरा का, तर कहा 10 वर्षापासूनची जी मेहनत आहे ती आपल्याला कुठेतरी याचा फळ मिळालेला आहे। तुम्ही लोक 5-10 वर्ष कार्यकाळ भोगून हे लोक इकडे तिकडे जाऊन बसतात, हे लोक इकडे तिकडे जाऊन बसतात, कुठेही हे लोक विकास केलेले नाही आहे। मी आज जवळपास 235-240 गावापर्यंत पोहोचलेली आहे। मी तिकडे अपरापेठ पर्यंत तर तिकडून मारलागुंडा पर्यंत पोहोचलेली आहे, तर इकडे माहूर तर पूर्ण पिंजून काढलेला आहे। मी कैसा लग रहा है आपको, सपोर्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है? बहुत अच्छा, एक भी जगह ऐसा नहीं हुआ है मेरा कि मुझे
सपोर्ट ना मिला हो। अच्छा। हर घर जा रही हूँ, हर घर इतना ज्यादा सपोर्ट है कि हम भैया के साथ है, हमें दूसरा और कोई नहीं चाहिए, हमें पक्ष का लेना देना नहीं। पक्ष था अपने पास 15 साल, करम साल थे तब अपने पास 10 साल तक, अभी 3 साल पहले के और 5 साल ले बोले तो 8 साल हो गए। नाइक साहब ने भी 15 साल लिए, लेकिन उन्होंने जो विकास किया वो आप सब लोगों के सामने है। अपन 20 साल पीछे है अभी भी, लोगों से गांव में अगर अपन जाते हैं भैया तो आंखों से आंसू निकलते हैं, इतने कठिन परिस्थिति में वो लोग रह रहे हैं। इन लोगों ने सिर्फ रास्ता, पानी और लाइट, बस इनको जो है जनता को यही विकास लगता है। क्यों? क्योंकि ये आमदार लोगों ने यहाँ के सब उनको ले करके रखा है, उनके दिमाग में भर के रखा है कि थोड़ा सा लाइट और पानी और रास्ता हो गया कि तुम्हारा विकास हो गया। और वो भी नहीं है भैया, वो भी नहीं है, यहाँ इन लोगों ने ये तक नहीं किया, लाइट रास्ता पानी तक नहीं किया है। विकास तो कोसों दूर है, हमारे सोच से ये विकास नहीं है। लाइट पानी रास्ता ये नहीं है अपना। अपना विकास कब होगा? जब अपन बड़े बड़े अस्पताल बनाएंगे, जब अपन कुछ बेरोजगारी के मुद्दे उठाएंगे। अपने युवक इतने ज्यादा यहाँ पे बेरोजगार है, उनके लिए अपन कुछ रोजगार अपन यहाँ पे उपलब्ध करवाएंगे, जैसे कि कारखाना हो गया, शुगर केन साखर कारखाना हो गया अपना। प्रचार कर रही हूँ, सीटी उनकी निशानी है। और जो भी गांव में मैं पूरे किनवट तालुके से माहूर इस्लापुर दोनों सर्कल में टोटल मैडम के साथ भी थी और मैं खुद पर्सनल भी मेरी हर समाज उनके साथ है। और वो लोगों की भी चॉइस है कि अब इस बार हमें परिवर्तन चाहिए। हमने दोनों आमदारों को देख लिए, 15 साल का उनका कार्य देखे, 5 साल का इनका कार्य देखे। मैं किसी आमदार पे कोई टीका टिप्पणी करना नहीं चाहती, लेकिन हमको सबको, हम सर्व सामान्य लोग क्या बोलते हैं, हमको विकास चाहिए, हमको सिर्फ विकास चाहिए। हम लोग तुम्हारे घर पर कोई हमारे गुत्तेदारी के कामा नहीं करने को आते या मंगने को नहीं आते, सिर्फ हमारे जनता के लिए, हमारे बाल बच्चों के भविष्य के लिए हम तुम्हारे से विकास के लिए गुजारिश करना चाहते। और सचिन भाऊ ये खुले पर्वत से चलना चाहते हैं और उन्होंने कोई पक्ष में नहीं रहते हुए भी, अपक्ष रहने के बाद भी आज 10 साल से उन्होंने हर तांडे गांव वाड़ी में हर समाज के लोगों से मिलना जुलना और उनका बात करने का लहजा और उनको अपना बनाने का लहजा है उनके पास। और उन्होंने अपने ऐसी उम्मीद है कि उन्होंने अपने बारे में सोच के अपने बाल बच्चों का विकास जरूर करेंगे। और उनका कहना है कि हम यहाँ शक्कर की फैक्ट्री खोलेंगे ताकि अपने महिलाओं को, अपने बच्चों को, अपने भाइयों को रोजगार मिल सके और अपने महिलाओं के लिए भी, बचत गट के लिए भी उन्होंने कुछ करना चाहते हैं। अपने बचत गट के लिए भी उन्होंने कोई अच्छा सा उद्योग निवड़ना चाहते हैं, जैसे पापड़ कारखाना होगा, शक्कर तुम्हारे मिर्ची का कांडलाई होगा, अगरबत्ती का होगा। अब बहुत सारे लोगों ने अगरबत्ती करके 15 सालों से लोगों को बहुत दाम में रखे, लेकिन ना अगरबत्ती के कारखाने लाए ना कुछ करे। मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहती, मैं भी उनकी कार्यकर्ती थी 15 साल से, जो कि मैं उनके पास से कोई अपना विकास वो करना नहीं चाहते। आज बहुत गरीब के घरों में घर पुल नहीं है, नल नहीं है, लाइट नहीं है, नालियाँ नहीं है और नजदीक पास कोई हॉस्पिटल नहीं है। गांव में बैलगाड़ी के रास्ते है, एक आंधी महिला डिलीवरी का भी लेट आया तो रास्ते में उनकी डिलीवरियाँ हो जा रहे। अपने यहाँ पर हमने ये मशीन लाए, वो लाए, MR लाए, अंका लाए, ढंका लाए, लेकिन वहाँ गए बाद कोई डॉक्टर हाजिर नहीं है, दवाखाने में गोलियाँ उपलब्ध नहीं है, ये इंजेक्शन नहीं है। कोई पेशेंट आया तो आदिलाबाद को, नांदेड़ को, यवतमाल को रिफर करते। हमारी सचिन भाऊ से एक ही गुजारिश है कि हमारे तालुके में विकास चाहिए और हमारे जनता को सिर्फ विकास चाहिए। आप विकास से भी बनो, हम तुम्हारे सब साथ में हैं। 20 तारीख को सिटी ये निशानी पे आप सब लोग
सीपी को वोट दो और प्रचंड मतों से सचिन भाई को निवड़ते दो। Thank you.